बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। और कैसे हैं आप लोग? आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए एक नई रेसिपी। आज हम बना रहे हैं ब्लैक पेपर बीफ फ्राई। ओके, ब्लैक पेपर बीफ फ्राई के लिए हमने ये बीफ लिया है बोनलेस, और इस तरह इसको ये छोटी छोटी बोटियों में काट लिया है। और इसमें हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून इसमें नमक शामिल करके इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया। अब हम इसको जो है पकने के लिए रखेंगे ताकि ये गल जाए, फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। देखें व्यूअर्स, हम अपने पैन में ये डाल देंगे बीफ। इसमें हमने हल्दी और नमक डाला है अभी फिलहाल, और कुछ नहीं डाला। हम इसको ऑन कर देंगे और इसको गलने के लिए रख देंगे। तो व्यूअर्स, हम देख लेते हैं अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो हमें क्या क्या चाहिए? गोश्त हमारा ये हो रहा है, पक रहा है, ये देखें। हमें चाहिए कि ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून, पीसी हुई काली मिर्च, और ये कुकिंग ऑयल, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, 6 से 7 कटी हुई हरी मिर्च, लंबी कटी हुई हैं ये, 1 अदद लंबा कटा हुआ टमाटर, और 1 दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज। अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये लहसुन अदरक का पेस्ट। और साथ ही कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून आपने डालना है। देखते हैं कितना ज़बरदस्त साउंड आ रहा है ये, और बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। और हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून पिसी हुई काली मिर्च, ब्लैक पेपर, और इसे मिक्स कर देंगे। बस ये रेडी होने को है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को तो बिल्कुल भी प्रेस करना ना भूलें। इससे आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो बस ये रेडी हो गया है। जी व्यूअर्स, तो अब हम अपने पैन को कर देंगे ऑफ। इसको हमने कर दिया ऑफ। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे ये कटी हुई प्याज। और याद रखें ये स्टोव को ऑफ करने के बाद ही करनी है ये चीज़ें, हरी मिर्च और ये टमाटर मिक्स कर देंगे। आप इसे चावलों के साथ सर्व करें, चपाती के साथ, पराठों के साथ, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। और हाँ, साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून विनेगर। आप चाहें तो लेमन जूस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सिरका शामिल करूंगी इसमें। सिरके को भी लास्ट में ही ऐड करना है आपने। तो व्यूअर्स, हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। अभी मैं आपको इसको चावलों के साथ भी सर्व करके दिखाऊंगी। आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और खुश रहें। जी व्यूअर्स, तो ये देखें मैंने चावलों के साथ सर्व किया है। आप चपाती और पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।